तो भाई लोग, आयरन मैन ने भले ही अपना सैक्रिफाइस कर दिया हो एवेंजर्स एंडगेम के अंदर, लेकिन टोनी के मौत के बावजूद वो हतुमारे और महामारे जैसे फैंस के बीच जिंदा है। अब कोई कैरेक्टर इतना ज़्यादा फेवरेट हो जाए तो जाहिर सी बात है कि फैंस उसके बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स जानना पसंद करेंगे। टोनी स्टार्क के केस में भी सेम है। अभी भी मार्वल ने हमें ये नहीं दिखाया है कि आयरन मैन 1 के पहले वो किस हालत में था। आयरन मैन के नाम पर ही फैंस उत्साहित हो उठते हैं कि इन थ्योरीज में वो जान डाल देती है। तो आज के वीडियो में हम भी कुछ थ्योरीज को देखेंगे जो इनके सही होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। अब हम लोग पहले थ्योरी पर आ जाए तो वो ये है कि आयरन मैन शूरी से मिल चुका है। बहुत सारे फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आयरन मैन शूरी से या तो इन्फिनिटी वॉर में मिले या एंड गेम में, लेकिन फैंस की ये तमन्ना पूरी नहीं हुई। या फिर तो दूसरी नज़रिए से देखें तो शायद इन्फिनिटी वॉर के दौरान एक दूसरे से मिले हो। तो इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क का जो लेटेस्ट सूट था वो सेम के नैनो टेक्नोलॉजी से बना था जो शूरी ने अपने ब्लैक पैंथर वाली सूट में यूज किया था। और तो और, शूरी के ब्लास्टर्स की आयरन मैन के गॉन्टलेट से बहुत रिजेम्बलेंस रखती है। शूरी के एक्ट्रेस लेटेशिया राइट्स ने हिंट दिया था इन्फिनिटी वॉर से पहले कि कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है। अब इसी से फैंस को एक होप मिल गया था कि शायद दोनों जीनियसेस एक बार तो एक दूसरे से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भले ही ये थ्योरी सही भी हो, लेकिन अगर मार्वल इसे एक सीन के तरह दिखा देता तो कई मार्वल फैंस की आंखों और दिलों की तमन्ना पूरी हो जाती। हालांकि हम अगर आगे बढ़े तो दूसरी थ्योरी जो है वो ये है कि आयरन मैन पेगी कार्टर का ग्रैंडसन है। जी हाँ, आप जितने शॉक्ड हो ये बात सुन के, मैं भी उतना ही शॉक्ड हूँ। लेकिन आप इस थ्योरी को सुनो और उसके बाद शायद आप भी इस बात पे विश्वास कर लो। के मुताबिक पेगी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थी आयरन मैन के लाइफ में। हालांकि पेगी और हावर्ड स्टार्क का कोई भी विजिबल रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया था, उन्हें अच्छा दोस्त दिखाया गया था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में, और उन्होंने एक साथ मिलकर शील्ड भी बनाया था। अब MCU में तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन फैंस इसे इंजॉय करते हैं कंसिडरिंग द रिलेशनशिप ऑफ कैप्टन अमेरिका एंड टोनी स्टार्क। आपके क्या इस पे थॉट्स है, आप मुझे बताना। अब बात करें तीसरी थ्योरी की, तो वो मेरी पर्सनल फेवरेट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अब कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि आयरन मैन मेयोनीर को लिफ्ट कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में सब कुछ ऐसा लगा था कि सिर्फ थॉर ही केपेबल है मेयोनीर को लिफ्ट करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे MCU अनफोल्ड होता गया हमें पता चला कि थॉर के अलावा भी वर्दी लोग हैं जो मेयोनीर को लिफ्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल तो कैप्टन अमेरिका खुद है। इससे स्पेकुलेशंस जाग उठते हैं कि और कौन कौन हैमर को उठा सकता है। अब थ्रू आउट द मूवीज टोनी को एक ऐसा हीरो के तरह दिखाया गया जो कि बहुत ही घमंडी और मतलबी है, पर धीरे धीरे वो इवॉल्व हो और उसका कैरेक्टर ग्रो करता है एज ए हीरो, और फाइनली तो वो एक ऐसा हीरो बन के इवॉल्व होता है जो खुद को सर्विस करने के लिए भी एक बार नहीं झिझकता। इसलिए फैंस का मानना है कि अगर मार्वल कभी भी टोनी स्टार्क को वापस लाने के बारे में सोचे तो एज पर द इंसिडेंट्स ऑफ एंड गेम वो एक वर्दी कैंडिडेट होगा मेयोनीर को लिफ्ट करने का। आप एग्री करते हो कि नहीं मुझे बताना। अब बात करें चौथे थ्योरी की, तो वो एक ऐसा थ्योरी है जो मैं तुम हम सब विश करते हैं कि काश ये ट्रू हो जाए। वो थ्योरी ये है कि आयरन मैन अभी भी अलाइव है। ऑल्दो हमने जिस हालत में टोनी को एंड गेम के एंडिंग में देखा था, इट सीम्स प्रीटी इम्पॉसिबल, लेकिन फैंस की दिली ख्वाहिश है कि काश किसी तरह वो वापस आ जाए, कंसिडरिंग कि मल्टीवर्स ओपन है। इतने थ्योरीज, इतने सारे कैरेक्टर्स वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, आयरन मैन एक चांस तो डिजर्व करता है। भाई लोग, अगर मार्वल चाहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। टोनी स्टार्क कभी भी वापस आ सकता है मल्टीवर्स के थ्रू। अगर टोनी स्टार्क को वापस लाया जाए तो आप उसके कौन से वर्जन को देखना चाहोगे, जाने RDJ वाला या कोई न्यू कैरेक्टर। अगर हम लोग बात कर ले पांचवी यानी कि आखिरी हमारे थ्योरी के, तो उसके ट्रू होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। हालांकि हमें दिखाया गया है कि शूरी ने विंटर सोल्जर के लिए एक नया आर्म बनाया था, लेकिन फैंस का मानना है कि टोनी ने भी उसके लिए एक आर्म जरूर बनाया होगा। अब इसके पीछे अच्छी खासी नैरेटिव सिमेट्री है, क्योंकि वो आयरन मैन ही था जिसने उसका आर्म खोल दिया था सबसे पहले। अब स्पाइडरमैन होमकमिंग में हैप्पी भी कहता है कि टोनी कैप के लिए नया शील्ड बना रहा है, तो ये पॉसिबल है कि वो बकी के लिए आर्म भी बना रहा हो एज एन अपॉलॉजी फॉर हिज एक्शंस इन सिविल वॉर एंड फॉरगिवनेस के तौर पे उसके पेरेंट्स को मारने के लिए।
तो ये थे वो पांच पॉपुलर थ्योरीज जो कि आयरन मैन से एसोसिएटेड है और जिसे फैंस बहुत ही ज़्यादा विश करते हैं कि ये ट्रू हो जाए। कमेंट्स में बताना कि क्या आप एमसीयू में आयरन मैन को वापस देखना चाहते हो। सबसे पहला थ्योरी तो यही होगा जो ट्रू होना होगा, तभी हम लोग बाकी थ्योरीज को भी ट्रू कर सकते हैं। क्या आप वापस आरडीजे को इस रोल में रिटर्न होते हुए देखना चाहोगे? कि आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इनमें से कौन सी थ्योरी अच्छी लगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।